एक्सरसाइज टू बी क्वेश्चन नंबर 9. 9 बोर्ड्स आर स्टैक्ड ऑन द टॉप ऑफ ईच अदर. द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3/2 / 3 सेंटीमीटर. हाउ हाई इज द स्टैक. देखिए 9 बोर्ड्स रखे गए हैं एक दूसरे के ऊपर. 9 बोर्ड्स रखे गए हैं. 1 बोर्ड रखा गया, उसके बाद दूसरा बोर्ड रखा गया, फिर तीसरा बोर्ड, ऐसे करके 9 बोर्ड्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं. और द थिकनेस ऑफ ईच बोर्ड इज 3/2 / 3 सेंटीमीटर. माने हर एक बोर्ड की जो थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी है? 3/2 / 3 सेंटीमीटर है. तो कहा गया हाउ हाई इज द स्टैक, कि स्टैक कितना ऊंचा हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर ऊंचा हो जाएगा. तो 9 बोर्ड्स है और 1 बोर्ड की जो थिकनेस है 3/2 / 3 है, तो 9 बोर्ड्स की थिकनेस कितनी हो जाएगी? 9 का मल्टीप्लाई कर लेंगे. 1 का दिया हुआ है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन इसका सॉल्व करते हैं तो क्या होगा. द थिकनेस ऑफ वन बोर्ड, द थिकनेस ऑफ वन बोर्ड इक्वल 3/2 / 3 सेंटीमीटर. वन बोर्ड की थिकनेस ये है. तो कितने बोर्ड्स रखेंगे? 9 बोर्ड्स रखेंगे. तो द थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड्स, द थिकनेस ऑफ 9 बोर्ड्स, तो 9 बोर्ड्स की थिकनेस ज्यादा होगी, 1 बोर्ड की दी हुई है. तो 9 बोर्ड्स की निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई कर देंगे 3/2 / 3 में, मल्टीप्लाई करेंगे 9 का. तो जब इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन को, तो 3 3 जा 9, 9 में 2 प्लस करेंगे 11/3 × 9. तो ये न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर 3, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9. अब देखिए न्यूमरेटर में क्या क्या बचा, 11 बचा और 3 बचा, तो 11 × 3. डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है तो 1 राइट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का डिवाइड करने पर वही नंबर आ जाता है. अब 11 3 जा 33, और इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी? थिकनेस किस में गिवन हुई है? गिवन है तो सेंटीमीटर में गिवन है, तो 33 सेंटीमीटर इट इज द आंसर.